सकती क्योंकि इस बार मम्मी भी हमारे साथ घूमने जाएंगे इसीलिए पहले उनकी शॉपिंग करा रहे हैं। और दोस्तों अब आ गई हूँ मैं लेडीज जोन में और अब मैं देख रही हूँ अपने लिए कपड़े। तो ये सारी फ्रॉक सूट टाइप है लॉन्ग वाली, तो ये देख रही हूँ मैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो अभी आए हुए हैं हम, दिवित बताएगा कहाँ पर। दिबू कहाँ आए हुए हैं? गाँव। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। मार्केट, तो आज हम खटीमा जाने मतलब जा रहे हैं। और जा किस लिए रहे हैं दिवित? सामान लेने, शॉपिंग करने। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने क्योंकि दिवित लोगों की आने वाली हैं छुट्टियाँ। कौन सी? समर वेकेशन, कुछ दिनों बाद, मतलब अभी तो नहीं, एक महीने बाद। और घूमने का प्लान हमारा अभी से बन चुका है कि हमें कहाँ जाना है। मैं बता दूँ? नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं भाई, सीक्रेट है। अभी तो अभी से बता देंगे दोस्तों को, तो क्या मजा आएगा दोस्तों को, जब जाएंगे तब पता चलेगा ना। तो इस बार ना मम्मी पापा भी हम लोगों के साथ जा रहे हैं, इसीलिए आज मम्मी की शॉपिंग कराने हम लोग जा रहे हैं खटीमा मॉल। और मेरी सैंडल लेनी भी। हाँ, और बस मैं, दिवित, मम्मी और ये जा रहे हैं, पापा नहीं जा रहे हैं और एंजल भी नहीं जा रही है। तो चलें दिवित? हाँ। चलो फिर चलिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बीटू मॉल और मम्मी के लिए देख रहे हैं हम कपड़े कुर्ती क्योंकि इस बार मम्मी भी हमारे साथ घूमने जाएंगे इसीलिए पहले उनकी शॉपिंग करा रहे हैं। और एंजल और पापा तो आए नहीं है, तो उनकी शॉपिंग बाद में होगी, आज मम्मी की शॉपिंग होगी और दिवित की भी होगी थोड़ी बहुत, देखते हैं मैं भी कर लूँगी अगर कुछ पसंद आता है तो। तो हम मॉल में आ गए हैं और दादी कर रही है शॉपिंग। और दादी कर रही है शॉपिंग भैया दूज के लिए। मारूंगी ना थप्पड़ भाई दूज के लिए नहीं, घूमने जाने के लिए। अच्छा, दिवित को डॉक्टर सेट नहीं मिला है इसीलिए दिवित रो रहा है चल कपड़े लेते हैं चल। ये है हमारा सेकेंड टाइम ये शॉपिंग का, और पिछले ब्लॉग में हम लोगों ने शॉपिंग की थी कपड़ों की, पर इस बार हम शॉपिंग करने आए हैं ये स्मार्ट बाजार में। और इस बार बैगों की शॉपिंग करने वाले हैं क्योंकि कपड़ों के लिए बैग तो चाहिए, और इस बार हमारा थोड़ा लंबा टूर है तो इसीलिए हम लोग थोड़े बड़े वाले बैग लेके आ रहे हैं। और ये जो थ्री पीस में है तो ये थ्री पीस वाला ही लेंगे ना। तो दोस्तों ये वाला जो ये देख रहे हैं ये वाला हम लोगों ने ब्लैक ये ब्लू कलर का है तो ये बैग सिलेक्ट कर लिया है। और हाँ, और दिवित ने पहले से ही अपने ये खिलौने ले लिए हैं, है ना दिवित? मेरा बॉक्स है। ओके, तो ये बैग की शॉपिंग तो हमारी डन हो गई क्योंकि ये लेने वाले हैं हम फ्री वाला जो सेट है। और ये हमने ये लिया है मच्छरदानी के लिए। अच्छा बैग की शॉपिंग तो हो गई है डन, और अभी हम खरीद रहे हैं कपड़े। तो पहले ये कपड़े देख रहे हैं अपने, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी अपने कपड़े देखने, और दिवित और एंजल की भी शॉपिंग करनी है अभी। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं बच्चों के कपड़े देखने, और एंजल ने ये वाला टॉप सिलेक्ट किया है अपने लिए, तो मैं एक साइज एक बड़ा मतलब एक नंबर बड़ा साइज उसको मैंने भेजा है ट्राई करने के लिए। और यहाँ दिवित क्या कर रहा है? दिवित
दिवित सैतानी करता है। और दिवित के साथ अभी क्या हुआ था बताओ तो, क्या हुआ था? लॉक हो गए थे ना। तो दोस्तों ये अपनी टी शर्ट ट्राई करने गया और वहाँ पर हो गया था लॉक। तो अभी भैया आए हैं और चाबी उन्होंने डोर की लगाई है, उसके बाद ये निकला है। और रो रो के इसकी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। जल्दी आ गई वहाँ पर। अच्छा लग रहा है एंजल? हाँ ये सही है, ये वाला साइज सही है, ये वाला ले लो ठीक है। किस्मत पे पड़ना जोर था तेरा, प्यार बहुत था मेरा, पर लाचार बेचारा, मजबूरी के आगे बचा एक ना चारा। प्यार बहुत था मेरा, पर लाचार बेचारा, मजबूरी के आगे। दोस्तों अब आ गई हूँ मैं लेडीज जोन में और अब मैं देख रही हूँ अपने लिए कपड़े। तो ये सारी फ्रॉक सूट टाइप है लॉन्ग वाली, तो ये देख रही हूँ मैं। और थोड़ी इस लेगी के साथ पहनने के लिए ये भी है, तो इस टाइप की भी मैं देख रही हूँ और इनका प्राइस भी अच्छा है। थी ये दुआ लगे ना नजर हमको, तेरे लिए ही सर झुका मेरा, फिर याद ना कुछ भी रहा तू। तो दोस्तों शॉपिंग हो चुकी थी डन और यहाँ दिवित को देखिए, ट्रॉली अपने आप ही ले जाता है ये लड़का हमेशा अगर ये मॉल वगैरह में जाता है तो। और इसकी शैतानी इतनी ज़्यादा रहती है ना, यहाँ पर हम कराने लगे थे बिल और यहाँ पर देखिए इसकी शैतानी कितनी ज़्यादा हो रही है। और अभी थोड़ी देर में इसके पापा इसे एक थप्पड़ लगाएंगे और उसके बाद जो भाई बहन करेंगे वो भी देखिएगा आप। बिल करनाने के बाद हम निकल रहे थे मॉल से, मतलब मॉल से नहीं स्मार्ट बाज़ार से, और यहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब हम ही थे लास्ट कस्टमर और बस एक दो बिल वाले भैया थे और ये गार्ड भैया थे बस। तो शॉपिंग तो डन हो गई है, पीछे बैग पैक भी हो रहा है और उसी में हम लोग सामान भी डाल रहे हैं। और पूरा मॉल देखिए आप, पूरा बंद हो गया, एक दो लोग ही वहाँ पर दिख रहे हैं और सारी चीज़ें यहाँ बंद हो चुकी हैं, मतलब सारी शॉप बंद हो गई हैं और लाइट भी ऑफ हो चुकी हैं सभी, सिर्फ वो बर्गर किंग खुला हुआ है और सारी ये चीज़ें बंद हो गई हैं शॉप। तो बस हम लास्ट ही हैं। और पार्किंग में आगे भी देखा हम लोगों ने तो कोई भी मतलब गाड़ियां नहीं थी, एक दो गाड़ियां ही थीं और सारे लोग जा चुके थे, मतलब गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं थी और गार्ड भी यहाँ बिल्कुल दिख नहीं रहे थे। शॉपिंग तो हो गई ना, हुई ना शॉपिंग? शॉपिंग हो गई और क्या चाहिए, मॉल बंद हो गया कोई बात नहीं। है ना दिव्बू? दिव्बी शॉपिंग कर ली सारी? दोस्तों शॉपिंग करके घर पहुंच चुके हैं और ये है आज की शॉपिंग, ये इतने बैग और उठो और एंजल वहाँ कपड़े देख रही और ये दिवित को देखो। दिवित ने दिवित भूतिया वाला फेस पैक लगा रखा है क्या? ये फेस पैक लगा के ये, ओ वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, लेटा हुआ है मजे से आंख बंद करके। तो ये शॉपिंग हुई है और ये हुआ है आज शॉपिंग। तो अब मैं इस ब्लॉग को इन करती हूँ। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। दो दिन में ये ब्लॉग पूरा हुआ है हमारा, तो प्लीज लाइक कमेंट करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, बाय, गुड नाइट, बाय। नी मैं तेरी हो गई।